मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, पहले मुंब्रा रेलवे स्टेशन से फिर कलवा भास्कर नगर से, मगर अब जो बच्चियों को गायब होने की खबर सामने आ रही है वो भी दो बच्चियां एक साथ गायब हो गई हैं। इन बच्चियों का नाम है दीपाली ज्ञानदेव तागड़े 13 साल और दूसरी बच्ची का नाम है कोमल छोटू परदेसी जो 11 साल की है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्ची मुंब्रा के गांव देवी के दुर्गा निवास ओमकार चाल की रहने वाली हैं। 29 मार्च के रात करीब 8 बजे से घर के पास खेलते समय लापता हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक रात बिजली चले जाने के बाद ही ये बच्चियां लापता हुई हैं। ये दोनों बच्चियां एक ही चौल में रहती थीं और एक साथ गायब हो गई हैं। लड़की का नाम दीपाली है, 13 साल की लड़की। 8 बजे लाइट गई थी तब बच्चे लोग बाहर निकले खेलते खेलते, तब वो बाहर गई तो गई, हम लोग 5 मिनट के बाद ढूंढने लगे तो नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। अब किसी के ऊपर शेक, अभी बच्चे लोग इधर खेलते, अभी लड़के लोग भी आते इधर बहुत सारे, हम लोग चिल्लाते बार बार बाहर मत निकलो बाहर मत निकलो, पर लड़के लोग भी घूमते रहते, पर अभी 8 बजे के टाइम लाइट गई तो कैसा मालूम पड़ेगा। खेलता खेलता गायब जाली ना थी, घर के बाजू में छे थोड़े दूर में वासे गायब हो गए, अभी तक मिली नहीं है वो। हाँ, 8 बजे लाइट गई थी, मैं उसकी नानी लगती है। ये बच्ची गायब है मगर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। हालांकि बच्ची की तलाश में परिजन के साथ साथ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। हालांकि परिजनों ने दोनों बच्चियों के गुमशुदगी की शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में की है, मगर एक साथ दो बच्चियों का गायब होना, इससे माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों पर नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर आपको आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या महिला नज़र आए तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।